से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल के जरिए नकद सब्सिडी देने पर विचार हो सकता है। बजट की आठवीं बड़ी बात, मनमोहन सरकार की राजीव गांधी रोजगार योजना को खत्म किया जा सकता है। बजट की नौवीं बड़ी बात, गंगा सफाई के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है। बजट की दसवीं बड़ी बात, पेंशन जीवन बीमा योजना में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। मोदी सरकार के पहले बजट की 10 बड़ी बातें आप जान रहे थे। आपको बता दें, कुछ ही देर के बाद बजट पेश होने वाला है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। अब तक पुरुषों और महिलाओं के लिए टैक्स में छूट की सीमा एक है। इस बार खबर यह है कि अरुण जेटली महिलाओं के लिए पुरुषों से ज्यादा टैक्स स्लैब में छूट दे सकते हैं। मोदी सरकार के पहले आम बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें नौकरी पेशा लोगों को है। सूत्रों से पक्की खबर है कि इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है। वहीं महिलाओं के लिए ये सीमा 3.5 लाख रुपए की जा सकती है। For this year is projected at 4.5 and requires a downward movement over the next 2 years. इस छूट से आपको कितना फायदा होगा, आपकी जेब के कितने पैसे बचेंगे, ये समझने से पहले देखिए मौजूदा वक्त में इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट कितनी है। अभी किसी भी शख्स को 2 लाख की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2 लाख से 5 लाख तक की सालाना कमाई पर 10% टैक्स देना होता है। अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 30,000 रुपए टैक्स के तौर पर चुकाने पड़ते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये छूट 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख से 5 लाख तक सालाना कमाई पर 10% टैक्स देना होता है और 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स देना होता है। अब नए टैक्स स्लैब पर गौर कीजिए। अगर खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हुई तो सुनिए आपको कितना फायदा होगा। अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का 10% यानी कि 20,000 रुपए ही चुकाने होंगे। मतलब ये हुआ कि आपको सीधे सीधे 10,000 रुपए का फायदा होगा। वहीं महिलाओं को 15,000 का टैक्स फायदा होगा। इसके अलावा सूत्रों से खबर है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की सबसे बड़ी प्राथमिकता फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को सुधारने की है और इस बजट में उसके लिए कई कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दिल्ली से रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। नौकरी पेशा लोगों के लिए कड़वी दवा की जगह मीठी गोली मिलने की उम्मीद है, लेकिन इन सब के बीच लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कथनी और करनी के बीच के फर्क को मोदी सरकार इस बजट के जरिए खत्म करे। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छे दिन का बजट अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में पेश करेंगे। क्या सस्ता क्या महंगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। आयकर में छूट की सीमा कितनी होगी, ये लोग जानना चाहते हैं। और हमने आपको रिपोर्ट के जरिए भी बताया कि वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जिनका ध्यान इस बजट में मोदी सरकार रखने वाली है। हालांकि चुनौतियां उसके सामने बहुत ज्यादा हैं। वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिशें की जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि निवेश को बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम का ऐलान आज इस बजट के जरिए किया जा सकता है। इसके ठीक पहले हमने देखा, परंपरा के हिसाब से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और फिर 11 बजे संसद के पटल पर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि आपके लिए सस्ता क्या होता है और कड़वी दवा किन किन चीजों में दी जाती है, लेकिन आम लोगों की किस तरह की हैं उम्मीदें, क्या चाहते हैं वो वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली से वो सुन लेते हैं। आई थिंक एजुकेशन का एक्सपेंस स्टूडेंट्स के लिए कम करना चाहिए, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल हर कोर्स के लिए फीस काफी हाई हो चुका है, सो आई थिंक बजट को एजुकेशन फ्रेंडली होना चाहिए, एटलीस्ट इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम चाहते हैं ये बजट आम आदमी के लिए रहे, आम पब्लिक को जितने जो इनकम टैक्स के अंदर ज्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं वो सबका रिबेट जो स्लैब बढ़ जावे ताकि हमारा इनकम टैक्स कम कटे।
अच्छे दिन आने वाले बोलते तो सीनियर सिटीजन को पहला इनकम टैक्स माफ करना मांगते। हम तो चाहते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो चाहते हैं वो इनकम टैक्स में रिबेट होने चाहिए, कम से कम 5 लाख तो होना चाहिए। हाउसवाइफ के लिए कुछ अच्छा हो, घर के लिए जिससे कुछ सेविंग हो सके अच्छे से हमारे। मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, देखते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं। और एज अ हाउसवाइफ मुझे लगता है कि ग्रोसरीज और ये जो बेसिक नीड्स है उसके लिए तो जिद्दोजहद नहीं करना पड़े। इस बारी सब लोगों को राहत मिले जो महंगाई से बहुत परेशान थे। प्रोडक्ट्स जो हैं, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये पल्सेस हैं, इन चीजों की रेट्स स्टेबल रहे, ये नहीं बढ़े। सरकार से हम लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी कि कुछ नहीं तो मतलब हम लोगों का जैसे गैस वगैरह है उसमें भी कुछ सस्ता करेंगे वो, या फिर ये अपने किराना है उसमें सस्ता करेंगे, लेकिन आज देखा जाए तो शकर के भाव बढ़ा दिए हैं, प्याज लहसुन आलू इनका भी जाकर देखें तो 24 रुपए किलो आलू कर दिए हैं, 20 रुपए किलो प्याज कर दिए हैं। तो मतलब मोदी सरकार से हम लोग जो उम्मीद लगा के बैठे थे उस पर पूरा पानी फेर दिया उन्होंने। इंतजार कर रहे हैं और सबसे पहले सुबह पेपर उठा के यही देखा जाएगा कि कोई भी चीज का दाम बढ़े नहीं, क्योंकि यदि बजट में हर बार ये बढ़ता है तो एक गृहिणी होने के नाते जैसे मैं बताती हूँ कि हर महीने हम लोगों का अपना एक निकाल लिया जाता है कि ये लाइट का बिल है, ये दूध का है और ये है। महंगाई रोज बढ़ती जा रही है और महिला होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं हमारी उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पिछले एक महीने से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूरा असर हमारे किचन में पड़ता है। मैं बहुत उम्मीद की हूँ कि पहले की अपेक्षा ये सरकार कुछ अच्छा काम करेगी। अच्छा काम से मतलब है अभी परंतु वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे, कारण ये कि आलू के दाम, प्याज के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, इवन हर चीज के दाम इतने ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिए हैं जितने कि हमने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार में इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हर एक आदमी का बजट गड़बड़ा जाता है और पब्लिक ये अपेक्षा करती है कि जो भी बजट आए और उनके जो है उनको बचत को बढ़ावा दे, मुख्य बात ये रहती। महंगाई पर रोकने के लिए जो कुछ सिस्टम है वो सिस्टम चेंज होना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से हमें कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम होगा बजट, किचन का बजट जो है, कुछ सब्जियों के भाव जो है, सिलेंडर के भाव जो है वो कम होने की हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं और 10 साल से हम महंगाई की आग में झुलस रहे हैं, तो इस बजट से कम से कम बाहर निकलने की हम आशा रखते हैं। उम्मीद है कि बजट बहुत अच्छा आएगा। बच्चों की जो फीस बढ़ रही है, एजुकेशन चाइल्ड की जो फीस बढ़ रही है वो कम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। दरअसल उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर दिया था नरेंद्र मोदी ने चुनावों के पहले और अब वक्त आ चला है उन्हीं उम्मीदों पर खरे उतरने का। सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश होना है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त आज पेश होने जा रहे इस आम बजट की ओर टिकी हुई हैं। आम जनता हो या नौकरशाह, बड़ा कारोबारी हो या फिर सियासतदान, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर मोदी सरकार अपने पहले आम बजट के जरिए किस तरह अच्छे दिन लाने वाली है। वैसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि मोदी के पहले बजट में इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ सकता है, साथ ही 2 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में टैक्स से रियायत मिल सकती है। अरुण जेटली के पहले बजट में कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं, ऐसी चीजों में मोबाइल और लैपटॉप भी शामिल है। आज हर किसी की जरूरत बन चुका मोबाइल, सस्ता होने से लोगों के होठों पर मुस्कान तैरना लाजमी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खाद्य पदार्थों और महंगाई को लेकर है जिससे आम जनता त्रस्त है। फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे इस वक्त वित्त मंत्रालय का, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संजय शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, सबसे पहले ये बताइए वित्त मंत्री से आपकी उम्मीदें क्या है और दूसरा सवाल, अभी अरुण जेटली कहां हैं और आगे क्या कुछ होना है 11 बजे के पहले? चित्रा, इस समय अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन में है, मेरे ठीक दाईं ओर राष्ट्रपति भवन है जहां पर अरुण जेटली इस समय वहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में, यानी कि आप मान के चलिए अगले 5 से 10 मिनटों में वहां से निकल के वो संसद भवन पहुंचेंगे जहां पर कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में वो बजट की प्रतियां अपने कैबिनेट के साथियों के बीच में रखेंगे। उसके बाद में ठीक 11 बजे वो संसद में बजट पेश करेंगे। चित्रा, मैं आपको बता दूं जहां तक उम्मीदों की बात है तो उम्मीदें बड़ी विपरीत है। इस समय अरुण जेटली कोई भी उम्मीद पूरी करने वाले नहीं है। इस समय आज उनकी वो हमेशा कहा करते थे कि इस समय भारत जो ऐसे एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जहां जो कि सबसे हाई टैक्सेशन है,
लेकिन कर प्रणाली में वो काफी सारे चेंजेस करना चाहते हैं, मध्यम वर्ग को राहत भी देना चाहते हैं, लेकिन सब्सिडी कम करके फिर से वो वापस उतना ही बोझ बढ़ा देंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चित्रा, उनके सामने चुनौती है महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, खराब मानसून इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है, बजट की घाटे को कम करने की चुनौती है, निवेश को आकर्षित करने की चुनौती है। तो चित्रा, कई सारी चुनौतियों के बीच में अरुण जेटली का जो बजट है, आप मान के चलिए बहुत अधिक राहत देने वाला नहीं होगा, थोड़ा बहुत हाँ मामूली मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए थोड़ी कर प्रणाली में थोड़ा चेंजेस करेंगे, टैक्सेशन में थोड़ा चेंजेस करके थोड़ा बहुत लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब्सिडी फिर से बढ़ा दी जाएगी। चित्रा, संजय 11 बजे बजट पेश होना है, कड़वी दवा उस समय दी जाएगी, लेकिन कड़वाहट कितनी ज्यादा होगी इस बात का जिक्र आप बार बार करके लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन ये बताइए अगर इस तरह की स्थिति होगी तो फिर कैसे आएंगे अच्छे दिन। चित्रा, अच्छे दिन आने की उम्मीद अभी आप जल्दबाजी में ना करें, अभी मात्र इस सरकार को 1.5 महीना हुआ है और ये सरकार कम से कम 2 साल लेना चाहती है अच्छे दिन के लिए, कम से कम आप 1 से 1.5 साल आपको इनको देना होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल इनको लगेंगे, निवेश को आकर्षित करना पड़ेगा, सब्सिडी ये सरकार भी कम करना चाहती है, जिस तरह से कि मनमोहन सरकार ने प्रपोजल लाई थी कि सब्सिडी कम करना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, आप मान के चलिए रसोई गैस का सिलेंडर महिलाओं के लिए सब महंगा होने वाला है, वो सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। महिलाओं को एक तरफ देंगे टैक्सेशन में थोड़ी रिलैक्स थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन वही सब्सिडी कम करके उतना ही बोझा फिर बढ़ा देंगे। चित्रा, अच्छे दिन आने के फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखती है, अच्छे दिन आने के फिलहाल अभी कोई आसार नजर नहीं आते हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी हम करते हैं कि कम से कम कुछ राहत नरेंद्र मोदी सरकार के इस पहले बजट से आम लोगों को जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, एक बार फिर से आपको बता दें 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार का पहला बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं और 11 बजे से हम आपको दिखाएंगे हिंदी में अरुण जेटली का बजट लाइव, आप कहीं मजा आएगा।